हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो गाइस, जैसा आप सबको पता होगा कि आपका जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो होने वाला है, जो इस मंथ के एंड में या फिर आपके अगले मंथ के स्टार्टिंग में जो है आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है, एज वेल एज जो है आपका जो एनटीपीसी का भी एग्जाम जो है कुछ ही टाइम के बाद आपका आ जाएगा, और एसएससी सीजीएल का भी जो आपका एग्जाम है वो भी गाइस जो है अगले मंथ में आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। तो गाइस, ये वीडियो जो है वो है बायोलॉजी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे एसएससी में बार बार पूछे जा चुके हैं, उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो गाइस प्लीज उसे जाके देखिए, ऊपर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप जो है उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक हम प्रोवाइड कर सके, और एज वेल एज जो भी नए नए वीडियो है वो आप तक हम प्रोवाइड कर सके। तो चलिए गाइस, आज जो है हम बायोलॉजी के पार्ट 4 की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, और इससे बाहर जो है आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते। तो यहाँ पे आज जो है हम एंजियोस्पर्म यानी टैक्सोनॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्म के यहाँ पे आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है गाइस वो किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी जो है वो उसे कहा जाता है, वो है लिनेनियस। तो लिनेनियस जो है उसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये गाइस, के स्पीशीज प्लेंट्रम एंड सिस्टम नेचुरल वॉज रिटर्न बाय। तो ये जो है स्पीशीज प्लेंट्रम और सिस्टमा नेचुरल जो है किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी उसका नाम था लिनेनियस, तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी था उसने जो है ये लिखा था। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका गाइज, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका कि पोटैटो इज रिलेटेड विथ द फैमिली, पोटैटो जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो पोटैटो जो है आपका गाइस, पोटैटो जो है आपकी सोलानसिया जो है उससे बिलोंग करती है। तो पोटैटो आपसे किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो पोटैटो जो है सोलानसिया फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है प्लांट का उसका बेसिक यूनिट कौन सा है? तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीशीज। तो स्पीशीज के ऊपर से जो है क्लासिफाइड किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन इज रिलेटेड विद द फैमिली। तो कॉटन जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो कॉटन जो है आपका, कॉटन जो है वो आपका मालवे के से बिलोंग करता है। तो कॉटन जो है आपका मालवे का ही से बिलोंग करता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ब्रिंजल जो है, आपका बैंगन जो होता है, ब्रिंजल का प्लांट जो होता है वो बिलोंग टू द फैमिली। तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ब्रिंजल जो है आपका सोलानसिया से बिलोंग करता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या है गाइज, तो जेनरिक नेम ऑफ कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट जो है उसका जेनरिक नेम क्या है? तो कॉटन प्लांट जो है उसका जेनरिक नेम है गॉसिपियम। तो गॉसिपियम जो है जेनरिक नेम है किसका? कॉटन प्लांट का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे के बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। तो आम जो है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो आपका जो आम होता है उसका जो है बॉटनिकल नेम वो है आपका मैंगीफर इंडिका। याद रखिएगा गाइस, मैंगीफर इंडिका जो है आपका मैंगो का बॉटनिकल नेम है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन प्रोवाइडिंग प्लांट इज रिलेटेड टू, मतलब जो भी अनाज प्रोवाइड करता है वो प्लांट जो है वो किस फैमिली में बिलोंग करता है? तो जो भी आपका प्लांट जो आपको ग्रेन प्रोवाइड करता है वो आपका फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम है ग्रेमिनाए। तो ग्रेमिनाए जो है एक ऐसी फैमिली है जिसमें जो जो भी प्लांट होते हैं वो सब आपको ग्रेन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, बॉटनिकल नेम ऑफ वीट। तो जो आपका गेहूं का प्लांट जो होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका टिटिकम एस्टिवम। तो टिटिकम एस्टिवम जो है आपका बॉटनिकल नेम ऑफ वीट प्लांट, यानी कि गेहूं के प्लांट का नाम जो है आपका टिटिकम एस्टिवम है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली। तो आपका जो पल्स होते हैं वो किस फैमिली से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो आपका जो पल्स होता है गाइस वो आपका जो है लेग्यूमिनोस से ऑब्टेन किया जाता है। ये जो है आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी के लार्जेस्ट फैमिली, इसमें से चार आपको ऑप्शन दिए उसमें से पूछ रहा है कि लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? तो आपका जो लार्जेस्ट फैमिली है वो है आपका कंपोजाइट फैमिली। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। तो याद रखिएगा गाइज, ये जो बॉटनिकल नेम होते हैं, मैंगो हो गया, आपका वीट हो गया, या फिर आपका कॉटन हो गया, ये ब्रिंजल हो गया, ये सब चीज़ के आपको जो है बॉटनिकल नेम जो है याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके। तो ये देखते हैं, चलिए बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। तो बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट क्या है, तो वो है आपका एरेकिया हाइपोगिया। तो एरेकिया हाइपोगिया जो है आपका बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रास। तो ग्रास जो होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो ग्रास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है आपका साइनोडन डिक्टिलॉन। तो साइनोडन डिक्टिलॉन जो है आपका बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रास है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉटनिकल नेम ऑफ टी प्लांट। तो जो आपकी टी प्लांट होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो उसका बॉटनिकल नेम होता है गाइस आपका ऑप्शन बी, यानी कि थायासोनेसिया। उसके बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन है आपका क्रॉप विच प्रोवाइड ऑयल अंडर कम्स अंडर द फैमिली। मतलब कोई भी ऐसा प्लांट जो ऑयल प्रोवाइड करता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है नीचे में से, तो उसका जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका क्रूसीफेरा। तो क्रूसीफेरा जो है उसमें बिलोंग करते हैं ऐसे प्लांट जो ऑयल हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नीचे है एक आपका स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है आपका, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर इंक्लोज्ड इन साइड फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें सीड जो होते हैं साइड फ्रूट में इंक्लोज्ड होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिकोट्स एंड मोनोकोट्स आर इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म। तो डिकोट और मोनोकोट जो है उन्हें एंजियोस्पर्म में इंक्लूड किया जाता है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि पहला जो है फर्स्ट जिम्नोस्पर्म जो है उसमें सीड जो है वो सीड फ्रूट में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, कौन सा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो है डिकोट और मोनोकोट जो है इंक्लूड किए जाते, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टॉलेस्ट ट्री। तो यहाँ पे सब जो आपको ट्री दिए गए, यहाँ पूछ रहे कि सबसे जो है ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो यहाँ पे आपका सबसे ऊंचा पेड़ है आपका यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस जो है आपका सबसे टॉलेस्ट ट्री है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री। तो सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री जो है अभी तक का उसका नाम क्या है, तो वो कौन सा ट्री है, तो वो है यूकेलिप्टस ही है। सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री पूछा जाए तो भी आपको यूकेलिप्टस करना है, और सबसे टॉलेस्ट ट्री पूछा जाए तो भी आपको यूकेलिप्टस करना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे है बेलाडोना मेडिसिन। तो बेलाडोना करके एक मेडिसिन है जो ऑब्टेन बाय द विच पार्ट ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना। तो जो बेलाडोना मेडिसिन जो है वो एट्रोपा बेलाडोना के कौन से पार्ट से ऑप्टेन की जाती है, तो वो जो है आपके गाइज यहाँ पे आपके लीव से ऑप्टेन किया जाता है, यानी कि जो पत्ते होते हैं उनसे ऑप्टेन किया जाता है, फिर उसमें से जो है बेलाडोना मेडिसिन बनाई जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं विच पार्ट ऑफ द सिकोना यील्ड अ ड्रग। तो सिकोना का जो कौन सा पार्ट है जो ड्रग कंटेन करता है, तो सिकोना का कौन सा बार्क, तो बार्क जो होता है वो जो है ड्रग कंटेन करता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑफ अ कॉटन इज ऑप्टेन फ्रॉम। तो कोई भी कॉटन का जो फाइबर होता है वो किसमें से ऑप्टेन किया जाता है, कोई भी कॉटन फाइबर ऑफ कॉटन यानी कॉटन का जो फाइबर है वो किसमें से ऑप्टेन किया जाता है, तो कॉटन का फाइबर जो है आपके फ्रूट में से ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मॉर्फिन इज ऑप्टेन। तो मॉर्फिन जो होता है वो किसमें से निकाला जाता है, तो मॉर्फिन जो ऑप्टेन किया जाता है किसमें से, तो मॉर्फिन जो है आपका वो आपका पेपरवर सोमिन टेरम से ऑप्टेन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो गया पेपरवर सोमिनी टेरम। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केसर, तो आपका जो केसर जो होता है वो किसमें से ऑप्टेन किया जाता है, तो केसर जो होता है आपका केसर जो वो ऑप्टेन किया जाता है स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस। तो क्रोकस जो होता है उसके स्टिग्मा और स्टाइल से ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन आपका। 25th क्वेश्चन क्या है देखिए गाइस, 25th क्वेश्चन है क्लोव। तो क्लोव जो है वो क्या है, तो क्लोव जो है आपका एक रिस से ड्राई फ्लावर बर्ड है। उसके बाद बढ़ते हैं एसएससी में पूछा जा चुका है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26th क्वेश्चन क्या है देखिए, विच पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज एडिबल। तो कॉलीफ्लावर जो होता है आपका जो फूल गोभी होती है उसका सॉरी पत्ता गोभी होती है वो उसका कौन सा भाग जो है एडिबल होता है, तो कॉलीफ्लावर जो है आपका गाइस कॉलीफ्लावर जो होता है आपका उसका कौन सा पार्ट एडिबल है, तो उसका जो है इन्फ्लोरेंसेस जो है यानी कि जो अंदर का भाग है वो ज़्यादा
एडिबल है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉफी इज ऑप्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो कॉफी जो होती है वो प्लांट के कौन से पार्ट में से ऑप्टेन की जाती है, तो कॉफी जो हो गई आपकी वो आपके प्लांट के जो सीड्स होते हैं बीज होते हैं उसमें से ऑप्टेन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिकोरी पाउडर है जो कौन प्लांट के कौन से पार्ट से ऑप्टेन किया जाता है, तो आपका चिकोरी जो पाउडर है आपका वो ऑप्टेन किया जाता है रूट यानी कि तने से जो है आपका चिकोरी पाउडर ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्मेरिक इज ऑप्टेन, तो टर्मेरिक जो है वो कौन से पार्ट से ऑप्टेन किया जाता है, तो टर्मेरिक जो होता है आपका ड्राई रिजोम से ऑप्टेन किया जाता है, तो याद रखिएगा ड्राई रिजोम जो है उसमें से टर्मेरिक ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका या देखिए क्विनिन इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो क्विनिन जो है किस में से ऑप्टेन किया जाता है, तो क्विनिन जो है आपका सिंकोना में से ऑप्टेन किया जाता है। ये आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है नीचे में से किस में से भरपूर मात्रा मिलता है, तो आप जानते हैं विटामिन सी जो है आंवला में से सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 32nd क्वेश्चन है इन द लीफ ऑफ टोबेको के जो पत्ते होते हैं या फिर लीफ होते हैं विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड, तो इन द लीफ ऑफ टोबेको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड, तो जो टोबेको के जो लीफ होते हैं उसमें से नीचे में से क्या पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे सबसे टोबेको के जो लीफ होते हैं उसमें से निकोटीन पाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं 33rd क्वेश्चन है आपका कि मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती है वो किस में से बनाई जाती है, तो हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती है गाइस वो आपका जो है रोवोल्फिया स्पीशीज में से बनाई जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो मेन सीरियल क्रॉप है वो कौन सा है, तो इंडिया का जो मेन सीरियल क्रॉप है आपका वो है आपका राइस, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो सीरियल क्रॉप है वो है राइस। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एन एंजाइम प्रोड्यूस बाय एचआईवी, तो एचआईवी के द्वारा जो एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है दैट अलाउज द इंटीग्रेशन ऑफ एचआईवी डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए इज, तो यहाँ से जो है एक एंजाइम जो एचआईवी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो एचआईवी डीएनए से इंटीग्रेट करता है और ह्यूमन के से दूसरे सेल में जाता है, तो वो कौन सा है आपका, तो वो जो है आपका उसका नाम है इंटीग्रेस। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एसएससी में पूछा जा चुका है गाइस। उसके बाद बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, नीचे आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, यहाँ से आपको बताना है कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, तो इन चारों ऑप्शन में जो है सोयाबीन जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टेन फ्रॉम स्टम, नीचे में से कौन सा ऐसा है जो स्टम में से ऑप्टेन नहीं किया जाता, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉटन, तो कॉटन जो है जो स्टम में से कभी भी ऑप्टेन नहीं किया जाता। उसके बाद बढ़ते हैं 38th क्वेश्चन है आपका कि बार्क ऑफ सिंकोना इज यूज्ड अ मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, याद रखिएगा ये एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है आपका कि बार्क ऑफ सिंकोना जो है उसका उपयोग जो है आप कहाँ किसके ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, तो बार्क ऑफ सिंकोना का उपयोग जो है आपको मलेरिया के जो ट्रीटमेंट होता है उसके मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल मेडिसिन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंकोना, यानी कि जो सिंकोना के द्वारा जो है कौन सी यहाँ पे आर्टिफिशियल मेडिसिन यहाँ बनाई जाती है, तो उस मेडिसिन का जो नाम है यहाँ पे गाइस वो है आपका क्लोरोक्विनिन, तो क्लोरोक्विनिन जो है वो किस में से बनाई जाती है, याद रखिए क्लोरोक्विनिन जो है आपका बनाया जाता है बार्क ऑफ सिंकोना में से। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिच द सोइल विथ नाइट्रोजन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पी, तो पी जो है आपका ऐसा प्लांट है जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट यील्ड ओपियम, तो ओपियम जो है प्लांट के कौन से पार्ट में से ऑप्टेन किया जाता है, तो यहाँ पे ओपियम जो होगा आपका वो फ्रूट में से ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रबर इज कॉमनली गॉट फ्रॉम, तो रबर जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो रबर जो होता है कहाँ से मिलता है, तो रबर जो है हमका हेविया ब्रेसिलेनिस में से मिलता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स इज,
तो बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स क्या है, तो बायोसिस्टमिक जो है उसका बेसिक यूनिट क्या है आपके पास, तो वो है आपका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जो है वो क्या है, वो है बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका क्या है कि दालचीनी जो आप घर में यूज करते हैं, तो दालचीनी इज ऑप्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो दालचीनी जो है कौन से पार्ट से ऑप्टेन की जाती है, तो वो जो है बार्क से ऑप्टेन की जाती है। ये आपका आरआरबी अहमदाबाद का क्वेश्चन है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का या फिर गुड्स गार्ड का, जो 2004 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पल्सेस आर रिच इन द प्रोटीन। तो पल्स जो होता है वो रिच होता है प्रोटीन से, भरपूर होता है, क्यों होता है, तो इसमें आपको चार कारण दिए हैं क्यों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पल्स जो होता है वो इतना प्रोटीन से भरपूर होता है क्यों, क्योंकि उसमें रिजोबियम जो होता है, रिजोबियम ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिम्यूलेंट प्रेजेंट इन टी। तो द स्टिम्यूलेंट प्रेजेंट इन टी, तो टी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो टी जो है गाइज आपका टी में जो है कॉफीन प्रेजेंट होता है। और याद रखिए अगर कॉफी का पूछा जाए तो उसमें होता है कैफीन। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 46 के, इंडिया प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इंडिया जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया जो है मैक्सिमम अमाउंट में टी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मेजर फॉरेनर एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। तो इंडिया जो है वो ज़्यादा कौन से मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज किस चीज़ की करता है, तो इंडिया जो है मेजर मात्रा में है चाय की जो है फॉरेन एक्सचेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 क्वेश्चन कि वन ऑफ द रीजन ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमोंग द पुअर इन इंडिया इन द, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द रीजन ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमोंग द पुअर इन इंडिया इज द ईटिंग ऑफ द, इंडिया में जो है वो पुअर जो है उनकी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो किस वजह से है, तो वो क्या ऐसा खाते हैं जिसके कारण जो है उनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने लगी है, तो वो जो है उनका ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, लेथिरस सेटिवस। तो सेट ये जो है इसके कारण जो है ये रीजन है जिसके कारण जो इंडिया में पुअर जो होते हैं उनके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना चालू हो जाता है। उसके बाद 49th क्वेश्चन आपका कि ओपियम इज ऑप्टेन फ्रॉम पॉपी इन द फॉर्म ऑफ, तो ओपियम जो होता है वो पॉपी के फॉर्म में ऑप्टेन होता है, वो पर किस फॉर्म में ऑप्टेन होता है, पॉपी में से ऑप्टेन किया जाता है पर किस फॉर्म में ऑप्टेन किया जाता है, तो वो जो है आपका यहाँ पे गाइस लेटेक्स के फॉर्म में ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो 50 क्वेश्चन आपका है ये कि हिंग गॉट फ्रॉम फेरूला एज एफोटेडिया इज, तो जो आपका हींग जो होता है जो फेरूला में से ऑप्टेन किया जाता है वो क्या है, तो वो जो है आपका एक टाइप से आपका रेजिनोस एक्सक्रूडेट ऑफ रूट, तो रूट जो है उसमें से एक्स बार को निकाला गया एक रेजिनोस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51st क्वेश्चन की बात कर लेते, तो 51st क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, देखिए कि नेपानगर जो है किसके लिए जाना जाता है, तो नेपानगर जो है किसके लिए जाना, नेपानगर जो है आपका न्यूज़पेपर मैन्युफैक्चर के लिए जाना जाता है। उसके बाद 52nd क्वेश्चन की बात करते, तो 52nd क्वेश्चन क्या है, एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम स्टाइल्स एंड स्टिग्मा। तो स्टाइल और स्टिग्मा में से ऑप्टेन किया जो गया एक प्रोडक्ट कौन सा है निम्न में से, तो स्टाइल एंड स्टिग्मा में से ऑप्टेन किया गया प्रोडक्ट देखिए सेफ्रॉन, तो सेफ्रॉन जो है स्टाइल एंड स्टिग्मा में से ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बाम्बू, तो बाम्बू इज क्लासिफाइड एज, तो बाम्बू जो है वो क्या है, तो बाम्बू जो है किस तरह से उसे क्लासिफाइड किया जाता है, तो बाम्बू एक टाइप से ग्रास है, उसकी आपका आरआरबी कोलकाता में पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मेडिसिन फॉर ब्रोंकाइटिस इज गॉट फ्रॉम, तो ब्रोंकाइटिस के जो मेडिसिन है वो किस में से पाई जाती है, तो ब्रोंकाइटिस की जो मेडिसिन है वो आपका एडेटोडा वेसिका में से पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चिलगोजा इज गॉट फ्रॉम, चिलगोजा जो है किस में से पाई जाती है, तो चिलगोजा जो है गाइस आपका वो पाया जाता है पाइनस में से, तो पाइनस में से चिलगोजा पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है जो रूट में पाया जाता है, रूट नोड्यूलस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसके रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा है यहाँ पे, तो देखिए वहाँ पे जो पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो है आपका यहाँ पे सिम्बायोटिक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पायरेथिन यूज्ड इन द मॉस्किटो कॉइल, तो जो मॉस्किटो कॉइल जो होती है आप जो घर पे मच्छर पकाने के लिए यूज करते हैं मॉस्किटो कॉइल, उसके अंदर जो पायरेथिन जो होता है वो किस में से ऑप्टेन किया जाता है, तो वो पायरेथिन जो है गाइज यहाँ पे आपका मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में से ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिटमस जो है वो किस में से ऑप्टेन किया जाता है, तो आपका जो लिटमस जो होता है गाइज लिटमस जो है वो लीचेन में से ऑप्टेन किया जाता है, एसएससी का ही आपका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एजोला एनाबेना, तो एजोला एनाबन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर, तो एजोला जो एजोला एनाबन होता है उसको फर्टिलाइजर की तरह जो यूज किया जाता है वो कौन से क्रॉप को उगाने के लिए किया जाता है, तो वो जो है आपका यहाँ पे गाइस हो जाएगा आंसर राइस, तो राइस को उगाने के लिए जो है आपका कौन सा फर्टिलाइजर तरीके यूज करते हैं, तो वो है आपका एजोला एनाबेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पाइस सेफ्रोन इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो जो सेफ्रोन होता है स्पाइस सेफ्रोन वो किस प्लांट के कौन से पार्ट में से ऑप्टेन किया जाता है, तो वो जो है आपका गाइस यहाँ पे स्टिग्मा, तो स्टिग्मा जो होता है उसमें से जो है स्पाइस सेफ्रोन ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते, तो यहाँ पे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको तीन यहाँ पे चीज दी है, एक आपको कैम्फर दिया गया है, चिकोरी दिया गया, वेनिला दिया गया है, आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा प्लांट विच ऑफ द अबोव इज आर प्लांट प्रोडक्ट, तो नीचे में से कौन सा जो है प्लांट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो है गाइज आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों तीन जो है आपके 1, 2 एंड 3 जो है आपका कैम्फर हो गया या फिर चिकोरी हो गया या फिर वेनिला, तीनों तीनों जो है प्लांट के प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरालोग बिलोंग टू द, ये जो है डॉक्टर कौन से कंट्री से बिलोंग करते, तो ये जो है आपके अमेरिका की कंट्री से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टर्पेंटाइन, अब जब आप घर पे जो टर्पेंटाइन यूज करते हैं वो जो है किस में से बनाया जाता है, तो टर्पेंटाइन जो है गाइस आपका बनाया जाता है आपका जिम्नोस्पर्म वुड से बनाया जाता है, याद रखिएगा गाइस टर्पेंटाइन जो है आपका जिम्नोस्पर्म वुड से बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वुड यूज्ड इन मेकिंग क्रिकेट बैट, तो क्रिकिंग क्रिकेट बैट जो होता है उसको बनाने के लिए जो वुड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, तो जो उसके लिए जो यूज किया गया होता है वुड यूज्ड इन द मेकिंग क्रिकिंग क्रिकेट बैट, तो क्रिकेट बैट बनाने के लिए जो वुड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है गाइस, तो वो जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा सेलिक्स एल्बा, तो सेलिक्स एल्बा जो है आपका वुड हो जाएगा वो जो क्रिकेट बैट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मेजर बासमती राइस इज प्रोड्यूस, तो जो मोस्टली जो बासमती राइस होते हैं वो कौन से स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आपका जो मेजर बासमती राइस जो होता है वो आपका प्रोड्यूस किया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजर राइस बासमती राइस जो है किस में से ऑप्टिंग किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश से ऑप्टिंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बॉटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन, तो मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ कि आपको सबके बॉटनिकल नेम जो है अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, तो सोयाबीन जो है उसका बॉटनिकल नेम क्या है गाइस, तो सोयाबीन जो है उसका बॉटनिकल नेम है आपका ग्लिसिन मैक्स, तो ग्लिसिन मैक्स जो है वो सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैनोला जो है आपका कैनोला रिफर्स टू स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड, तो कैनोला जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड है मस्टर्ड है वेराइटी ब्रेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वेराइटी इज दैट द जो आपका जो मस्टर्ड वेराइटी जो है आपका डिफरेंट टाइप का जो ऑयल सीड जो है जिसकी मस्टर्ड वेराइटी है वो आपकी डिफरेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नीचे में से कौन सी है, तो उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कौन सी, ऑयल इज रिच, जो मस्टर्ड सीड जो होते हैं उसमें ऑयल जो है रिच मात्रा में होते हैं परंतु वो जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये आपका IAS में पूछा जा चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर, कोई भी बायसेक्सुअल अगर फ्लावर है उसके अंदर इफ एंड्रोसियम एंड जीनोसियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, तो यहाँ पे कोई भी बायसेक्सुअल फ्लावर है उसमें अगर एंड्रोसियम और जीनोसियम जो है दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, तो उस फेनोमेनन को कहा जाता है गाइज यहाँ पे डाइकोगेमी, तो डाइकोगेमी जो है उस फेनोमेनन को कहा जाता है जहाँ पे बायसेक्सुअल फ्लावर में दोनों जो है कौन एंडोसियम और जिनोसियम तो वो जो है अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लीव यूज्ड एज अ रैपर फॉर बीड्स ऑफ आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो हम रैपर के लिए यूज करते हैं जो लीव्स को वो जो है
ऑप्टेन किसमें से ऑप्टेन किया जाता है, तो जो है वो लीव्स जो है, जैसे हम बीड्स के लिए बीड जो होती है उसे रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ऑप्टेन किया जाता है टेंडू, टेंडू से याद रखिएगा, टेंडू से जो है बीड्स को रैप करने के लिए लीव्स ऑप्टेन किए जाते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप प्रोवाइड इमीडिएट कैश टू फार्मर, तो नीचे में से निम्न में से कौन सा ऐसा मोनोकल्चर क्रॉप है जो फार्मर जो होता है उन्हें तुरंत ही कैश प्रोवाइड कर देता है, तो उसका जो आपका आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे वो है आपका कौन सा, टी इन आसाम एज वेल एज जो है कॉफ़ी इन ब्राज़ील, तो जो ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी होती है वो और आपके आसाम में जो टी होती है उसका जो पैसा होता है कि जो फार्मर को इमीडिएट मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71st क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 71st क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, नीचे में से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे हम जो है हर्बल का इंडियन डॉक्टर भी, हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, तुलसी, इसलिए तो जो है हर घर में तुलसी का पौधा रखते हैं, और जो अभी जब भी हमें कुछ भी खांसी होती है सर्दी होती है तो हम जो है तुलसी की, तुलसी वाली चाय पी लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बायोफिल इज ऑप्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, तो बायोफिल जो है वो किसके बीज सीड में से ऑप्टेन किया जाता है, तो आपका बायोफिल जो है वो आपका ऑप्टेन किया जाता है जेट्रोफा, जेट्रोफा से जो है वो बायोफिल ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अब गाइस, 73rd क्वेश्चन क्या है, अ फ्लावर बर्ड, तो एक फ्लावर बर्ड विच इज यूजेस एज अ स्पाइस इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो एक फ्लावर बर्ड जो होता है जिसे हम स्पाइस के लिए यूज करते हैं वो हमें किस में से मिलता है, तो वो जो हमें मिलता है गाइस वो हमें क्लोव में से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो IR20, तो IR20 जो है एक हाई यील्डिंग वेराइटी है किसकी, तो IR20 जो है आपकी राइस की एक हाई यील्डिंग मतलब एक क्वालिटी वाली वेराइटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब, तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है आपका गाइस यहाँ पे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथ्रोन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है सी बकथ्रोन जो है, बकथ्रोन जो है उसको, उसके कल्टिवेशन को इनकरेज करना चाहिए, तो उसका जो है इम्पोर्टेंट क्या होगा, उस प्लांट का इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो वो प्लांट जो का इम्पोर्टेंट ये होता है कि इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द सोइल इरोजन, जो जो है जमीन का जो यहाँ पे धुलाव होता है उसको, इरोजन होता है उसे कंट्रोल करता है, एज वेल एज जो है वो डिसर्टिफिकेशन जो होता है उसे भी प्रिवेंट करता है, और दूसरा उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो उसके पास जो है भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, इज वेल अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड, तो उससे जो है हाई एल्टीट्यूड पे वो कोल्ड एरिया में इजीली वेल अडेप्ट मतलब अच्छी तरह से रह सकता है, क्योंकि उसमें और उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा भी भरपूर होती है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 1 and 3rd हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है हम रोज के रोज आपको लिए जो है लेटेस्ट यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर सके, ताकि जो आप चुका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो सके। तो मिलते गाइज अगले वीडियो में, आप अपने लाइक दिखाते रहिए और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, मिलते अगले सेशन में, तो गाइज तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।